क्योंकि मुझे फूड इशू बहुत ज़्यादा होता है। मैं फूड फूड की वजह से ही मैंने काफ़ी सारे पीजी चेंज किए। मुझे जी यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। मैं जब पीजी में आई थी तो मैंने खाना चेक किया था। सिक्योरिटी मानी आप लोगों से लिया गया था? हाफ सिक्योरिटी है, जितना रेंट है उससे हाफ सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी मानी तो रिफंडेबल है? हाँ जी, रिफंडेबल। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लगातार पीजी के वीडियो बनाते रहते हैं और हॉस्टल रिव्यू करते हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं कि कहाँ पर क्या रेंट है या फिर लोकेशन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। इसलिए आज हम आए हैं एक गर्ल्स पीजी में और इस पीजी को रिव्यू करेंगे। और हमारे साथ इस पीजी का एक मैम भी है, तो हम इन्हीं से जानेंगे इस पीजी के बारे में क्या रेंट है या फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, सारी चीज़ें क्या। और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कोमल है, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई थी। देन मैंने शुरू में स्टार्टिंग में जब आई थी मैंने 2-3 पीजी देखे थे, उसके अकॉर्डिंग मुझे पीजी सूट नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकली थी। अच्छा। 2-3 पीजी चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे ये पीजी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का खाना भी अच्छा है, रेंट भी रिजनेबल है, सिक्योरिटी भी अच्छी है यहाँ की, और देखा जाए लोकेशन भी अच्छा है। नीचे सारा हमें सामान मिल जाता है और यहाँ से मेरा कोचिंग का वॉकिंग डिस्टेंस भी बहुत काफ़ी पास है। तो मैम आप कोचिंग कहाँ कर रहे हैं? मैं एग्जाम स्ट्रीट्स पे कर रही हूँ कोचिंग। अच्छा, किस चीज़ की? मैं CDS CGL दोनों कर रही हूँ। तो आपके कोचिंग तक यहाँ से डिस्टेंस कितना है? मैक्सिमम 5-10 मिनट लग जाता है। मुझे वॉकिंग डिस्टेंस सही है यहाँ से वहाँ का। अच्छा, बाकी क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस पीजी में ओवरऑल मिल रही है? फैसिलिटी हमें फुल फर्निश्ड मिला है, AC मिला है, अटैच वॉशरूम है, खाना यहाँ का अच्छा है और यहाँ की सिक्योरिटी भी अच्छी है। नीचे गार्ड बैठे रहते हैं और साफ़ सफाई करने के लिए आंटी आ जाती है यहाँ पे। डेली साफ़ सफाई होती है? हाँ, डेली होती है। ये बताइए यहाँ पे जो है लोकेशन कैसा है, जो अराउंड जो भी लोकेशन है कोचिंग वगैरह? लोकेशन अच्छा है, नियर बाय यहाँ पे KD कैंपस है। नीचे दीक्षांत की क्लास लगती है। लोकेशन यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और रेंट कितना पे कर रहे हो? क्योंकि ये एक 3 शेयरिंग रूम है, एक बार रूम दिखा दीजिएगा। ये इन लोगों का रूम है, आप देख सकते हैं, और 3-3 स्टूडेंट्स इसमें रहते हैं और सारे फर्नीचर भी दिया हुआ है। तो मैम रेंट कितना पे कर रहे हो? रेंट 8,500 है। अच्छा, 8,500 पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट। और कोई सिक्योरिटी मानी आप लोगों से लिया गया था? हाफ सिक्योरिटी है, जितना रेंट है उससे हाफ सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी मानी तो रिफंडेबल है? हाँ जी, रिफंडेबल है। उसके लिए क्या कंडीशन है आप लोगों को बताया गया है? भैया ने हमें अपना पूरा स्लिप बना के दिया है सिक्योरिटी के लिए। जब हम यहाँ पर आए थे तो भैया ने हमारा पूरा रेंट लिया था, तो भैया ने हमें पूरा स्लिप बना के दिया हुआ है। ऐसा होता है ना कि सिक्योरिटी मानी तभी रिफंड होगा कि 1 महीने पहले आपको बताना होता है या फिर और कोई कंडीशनिंग वगैरह? हाँ, 1 महीने जब हमें पीजी खाली करना है तो 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, कि हम पीजी खाली कर रहे हैं। तो आप कोई इसमें ब्रोकर के थ्रू आया है या फिर डायरेक्ट आया है यहाँ पे? मैं डायरेक्ट आई हूँ इसमें। अच्छा, ये जो भी फर्नीचर है रूम में ये पीजी ओनर की तरफ से दिया? हाँ, गया ये पीजी ओनर की तरफ से दिया। और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लिया गया हो तो आप बता? नहीं, हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें अलग से देना पड़ता है। अच्छा, यूनिट कितना है? इतना तो भैया हमें भी नहीं पता, बताया नहीं। अच्छा अच्छा, आपने दिया नहीं है एक बार भी इलेक्ट्रिसिटी? अभी मेरे को आए हुए 15 दिन हुआ है तो मैंने अभी रेंट नहीं, बिजली का बिल नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, बाकी ये बताइए सिक्योरिटी इश्यूज बहुत है दिल्ली में लड़कियों के लिए, ये पीजी कैसा है? सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस में अगर देखा जाए तो कैसा है? अगर सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस में देखा जाए तो ये पीजी अच्छा है जी। सिक्योरिटी पर्पस में क्या क्या है? CCTV वगैरह? CCTV कैमरा लगा है, एक यहाँ बाहर लगा है बालकनी में, एक बाहर बालकनी में लगा है। नीचे सीढ़ियों पे भी CCTV कैमरा लगा हुआ है और बाकी नीचे गार्ड बैठे रहते हैं। 10:30 पे गेट बंद हो जाता है, कोई बाहर से आ नहीं सकता। ओनर आते हैं यहाँ पे? हाँ, ओनर आते हैं भैया, हफ्ते में 2-3 बार आ जाते हैं। कोई हमारे को कोई इशू हो हम कॉल करें तो भैया आ जाते हैं। अच्छा, कोई भी मान लो आप लोग पीजी में कुछ ख़राब हो गया हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो तो क्या तुरंत सॉल्व हो जाता है? भैया इतना तो अभी मुझे आए हुए 10-15 दिन हुए, पर अभी तक कोई इशू ऐसा हुआ नहीं है। बाकी हुआ तो कैटेगर वगैरह रहते होंगे यहाँ पे? हाँ। और बात करें फूड की, फूड एक मेजर इश्यूज है दिल्ली में, क्योंकि काफ़ी सारे जो पीजीस है इतना ज़्यादा मतलब क्वालिटी फूड प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ की बात करें तो यहाँ कैसे है? भैया यहाँ का फूड देखे बाकी पीजियों से तो अच्छा है, क्योंकि मुझे फूड इशू बहुत ज़्यादा होता है। मैं फूड की वजह से ही मैंने काफ़ी सारे पीजी चेंज किए। मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। मैं जब पीजी में आई थी तो मैंने खाना चेक किया था, फिर मैंने पीजी लिया था, तो खाना मुझे अच्छा लगा बाकी पीजी के। बाकी घर जैसा खाना तो कहीं नहीं मिलेगा। राइट। वैसे भी आप हिमाचल से है, जो हिमाचल से है उनको ज़्यादातर मतलब दिल्ली में इन्वायरमेंट सूट नहीं होता है। हमें यहाँ का टेम्परेचर भी नहीं होता है, गर्मी यहाँ पे बहुत है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो बस मुझे यही थोड़ा प्रॉब्लम होता है गर्मी का। बाकी घर से बाहर निकले तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, AC लगा हुआ है, भैया ने AC लगा रखा है। AC लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी AC का बिल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? हाँ, AC का बिल एक्स्ट्रा देना पड़ता है, देना पड़ेगा AC का बिल। राइट राइट। और आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जो भी रूममेट्स हैं वो क्या करते हैं या फिर कौन से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं? मेरी एक रूममेट SSC कर रही है और दूसरी अभी कॉलेज में है,
और उसने बताया कि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। रूम पे ही है ना? हाँ, आप बात कर सकते हो मेरी रूममेट से। हाँ जी, बात जरूर करेंगे। बाकी ये बताइए, जो भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही है या फिर जिनको भी पीजी ज्वाइन करना है, आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसी को पीजी लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट पीजी है। बाकी रेंट भी इसका रिजनेबल है और सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है, फूड का भी कोई इशू नहीं है। अगर किसी को पीजी चाहिए या नीड है कि पीजी की, तो आप ले सकते हो ये पीजी। ओके ओके, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया।